आमदन से ज्यादा सा सजात। इशाक डार के खिलाफ नैब रेफरेंस की समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। इशाक डार के खिलाफ सजात रेफरेंस में 3 गवाहों के बयानात भी कलमबंद कर लिए गए हैं। फैसल शहजाद ने तबस्सुम इशाक डार के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात अदालत में पेश की। इशाक डार एन ने 95 लाहौर से 1993 में रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। गवाह शेर दिल खान और इशाक डार ने 16 दिसंबर 1993 को बतौर रुकन कौमी असम्बली हलफ उठाया। डायरेक्टर कौमी असम्बली शेर दिल खान इशाक डार 4 नवंबर को 1996 तक रुकन कौमी असम्बली रहे। शेर दिल खान डायरेक्टर कौमी असम्बली, जबकि कोई रुकन असम्बली कौमी मुंतखब होता है तो उसे तनख्वाह की अदायगी शुरू हो जाती है। 1993 में इशाक डार 14,000 रुपये महाना तनख्वाह वसूल करते रहे। इशाक डार दूसरी मरतबा एन ए 97 से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए और 15 जनवरी 1997 को हलफ उठाया था। अमरीन अली नुमाइंदा कैपिटल टीवी हमारे साथ हेल्पलाइन पर मौजूद हैं। जी अमरीन अली, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज इशाक डार के खिलाफ आमदन से ज्यादा साजात बनाने से मुतालिक रेफरेंस की समाअत हुई है, जबकि समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर ली गई है। जबकि आज 4 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। इस्तगासा की गवाह काबूस अजीज पर अगली समाअत पर बयान जो है वो कलमबंद कराएंगे। ताहम इशाक डार की जानिब से वकील बनने की काजी मिसबा की दरख्वास्त भी जो है वो अदालत ने खारिज कर दी है और अदालत ने अहकाम जारी किए हैं कि जो दीगर गवाहान है उनका आइंदा समाअत पर बयान कलमबंद किया जाएगा। मजीद केस की समाअत 21 दिसंबर को होगी। मजीद केस की समाअत 21 दिसंबर को होगी। अमरीन अली बहुत शुक्रिया।